आज की वीडियो में हम डिजिटल कंट्रोल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखें, ये है हमारा रोल फ्लेक्स एलईडी लाइट बूस्टर। इस बूस्टर से ये जो एलईडी मैट है इसे जो है ग्लो किया जाता है। इसमें डे और नाइट का लाइट अवेलेबल है। इसमें आप डे कर सकते हैं और नाइट कर सकते हैं। इसे इस बूस्टर के द्वारा इसके लाइट को कंट्रोल किया जाता है। अब इसकी कंट्रोलिंग को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बटन यूज़ किए गए हैं जो माइक्रो स्विच हैं और जो इसके फंक्शन हैं, और यहाँ पर ये डिस्प्ले है और बीच में ये कंट्रोल है। कंट्रोल से क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसे घटाते हैं और बढ़ाते हैं, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। देखिए, ये डिस्प्ले है और यहाँ पर एक कंट्रोल है जो एक वेरिएबल के तरीके से काम करता है। अब आपको लगता है कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कंट्रोल है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये डिजिटल कंट्रोल है। अब इसका थोड़ा सा इंटरनल हम आपको तो बताएंगे क्लियर, कि जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2, तो 5 2 7, यानी 7 पॉइंट टोटल यहाँ पर निकल रहे हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, कि जैसे यहाँ पर देखें, ये जो हमारा होता है ये वेरिएबल कंट्रोल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वेरिएबल कंट्रोल है, जैसे टोन कंट्रोल, वैल्यूम कंट्रोल, प्रीसेट कंट्रोल, ये सब सारे वेरिएबल में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, और बीच में सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से इसके बीच के वोल्टेज के डिफरेंसेस को हम जो है अपने आवश्यकता अनुसार इसे यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है डिजिटल। डिजिटल में क्या है, जब आप स्विच देखते हैं तो एक होता है कि प्लस और एक होता है माइनस। जब हम किसी टीवी के बटन में, यानी माइक्रो स्विच के बटन को हम जब पुश करते हैं, यानी उसे प्रेस करते हैं, तो वैल्यूम को अगर कम करना है तो यहाँ पर दबा देंगे, और वैल्यूम को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर दबा देंगे। यानी जैसे 1 2 बार 3 बार 4 बार जितना दबाएंगे उतना कम ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जितना दबाएंगे उतना कम होता जाएगा। और यहाँ पर होता है कि इसके टोन कंट्रोल को ऐसे घटाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और इधर उल्टा करेंगे नेक्स्ट, तो क्या होगा, वो कम होगा। अब यहाँ पर हम इसके कंट्रोल को समझते हैं कि ये कंटिन्यू, देखिए एक जैसे स्विच होता है यहाँ पर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे ये काम करता है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से ऐसे काम करता है। अब इस साइड में बढ़ने का काम है, और इस एंटी डायरेक्शन में क्या है, ये यहाँ पे कम होगा, यानी इस साइड ये बढ़ेगा और इस साइड ये कम होगा। अब इसको ज़रा सम आपको बताते हैं इंटरनल कैसा होता है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पॉइंट हमने बनाया है ये बताने के लिए कि जैसे यहाँ पर देखें एक सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब स्विच ये है, तो यहाँ पे स्विच को ऐसे एक स्विच हो गया, और ये एंटी, चूँकि एक बार जब इधर से दबाएंगे तो ये टेस्ट करेगा और जब इधर से दबाएंगे तो ये टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी प्लस और माइनस कर सकते हैं, जैसे इसे हम प्लस कर लेते हैं और इस साइड को माइनस कर देते हैं, तो ऐसे सेम यहाँ पे कि ऐसे आप चलेंगे तो इस साइड में क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये जो है इसी तरीके से काम करेगा, ये ऐसे अगर इधर दबाएंगे तो ऐसे दबता जाएगा, और इधर दबाना होगा तो यहाँ पे, सॉरी, ये जो है ऐसे। अब ये जो नॉब जो घुमाने का होता है, ये यहाँ पे एक ऐसे ये होल बना होता है प्लास्टिक का, यानी ऐसे नॉब के ऊपर होता है, तो जहाँ ज़रूरत होगा ऐसे बना लिया जाता है एक शॉप। और ये क्या करता है, ऐसे हम समझाने के लिए बना रहे हैं। अब ये घुमाने पे क्या होगा, एक तरफ तो माइनस का काम करेगा, इधर एंटी, और इधर कब काम करेगा, ये जो है प्लस का। तो ऐसे से इसे कामन बना लिया जाता है कि जैसे प्लस प्लस का ये जो है ये हमारा ऐसे कामन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का
ऐसे कॉमन हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये निकल गया, एक पॉइंट ये निकल गया। अब ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे ये जो है सिस्टम को चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं अभी, जिसे यहाँ पर देखें, इस पावर सप्लाई को इसे ऑन करते हैं, यहाँ नीचे एम्पियर है और यहाँ पर वोल्टेज है। अब इस वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन इस वोल्टेज को अगर घटाना होगा तो ऐसे से घट रहा है। अब यहाँ पे जो बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है इसको घुमाने से, ये जैसे इसका ऑन ऑफ स्विच होता है, जब प्रेस करते हैं ऐसे देखिए यहाँ पे, यानी अंदर की तरफ प्रेस किए तो ये ऑन ऑफ बटन माइक्रो स्विच की तरह काम किया। तो ये एक स्विच तो ये हो गया कि ये ऐसे ऑन ऑफ करने से भी स्विच है, और ऐसे घुमाने पर स्विच है, इधर भी घुमाने पर स्विच है। ऐसे सेम यहाँ पर एम्पियर का है कि ऐसे इसको बढ़ाते जाएंगे और इधर करेंगे तो ये घटता हुआ चला जाएगा। तो एक ये डिजिटल कंट्रोल हो गया, यानी डिजिटल वेरिएबल कंट्रोल। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो सिस्टम कंट्रोल लगा है माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है यहाँ इसी से जुड़ा हुआ है, डिस्प्ले का यहाँ पे है, ठीक। इस लाइट बूस्टर का जो मॉडल नंबर है यहाँ पर देखेंगे RX24TDX सेकेंड, और यहाँ पे ये कंपनी है, ठीक है। इस बूस्टर के द्वारा इस LED मैट में, इसमें येलो और वाइट दो LED यूज की गई है, जिसकी कंट्रोलिंग यहाँ इस बूस्टर से की जाती है, जहाँ पे वाइट येलो यानी दो पॉइंट है, और दोनों को बैलेंस करने का काम, कंट्रोल करने का काम यहाँ इस कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है।